नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के महावीर मंदिर पे है और यहां आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर लगातार 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पुष्पों की बारिश होगी। यहां 50 केजी गुलाब के फूल रखे गए हैं। भक्त जन पर पुष्पों की बारिश होगी और 6 की संख्या में ये ड्रोन मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। और हम इस वक्त मौजूद हैं महावीर मंदिर के टॉप फ्लोर पर और देखिए किस तरह से जो ड्रोन को यहाँ से पहले तो उसमें फूल गुलाब के फूल को भरा जाता है, उसके बाद यहाँ से भक्त जन पर इसकी बारिश की जाती है। उसके साथ साथ ही जब ये फूल इसमें से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से इन्हें वापस लाया जाता है। और फिर से ये तस्वीर देखिए यहाँ पे, और ये गुलाब के फूल उसमें फिर से डाला जाता है। लेकिन ये कार्य लगातार आपको 2 बजे दोपहर तक देखने को मिलेगा। और ये रामनवमी के उपलक्ष्य पर ये किया जा रहा। और देखिए ये सारा इनको कोऑर्डिनेट जो यहाँ के कंपनी के सीईओ हैं विकास पटेल वो कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो यहाँ के सीईओ हैं इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर तरह की चीज़ों पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। और ये देखिए ये सुखद तस्वीर पटना के महावीर मंदिर से बेहद सुखद तस्वीर है। और देखिए किस तरह से यहाँ से ड्रोन को फिर से उड़ाने की कोशिश की जा रही है और ये एक एक करके 6 ड्रोन को उड़ाया जा रहा है और भक्त जन पर पुष्पों की बारिश की जाती है। लेकिन उससे पहले जो बाल रूप श्री राम के बाल रूप है उस पर देखिए किस तरह से पुष्प की बारिश होगी। और ये तस्वीर बेहद सुखद बेहद मनोरम ये तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से पुष्पों की बारिश हो रही है और कितना खूबसूरत नज़ारा। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको कशिश न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए किस तरह से पुष्पों की जब बारिश हो जाती है तो फिर से ड्रोन को वापस लाया जाता है और फिर से इसे वापस ला करके गुलाब की पंखुड़ियाँ इसमें डाली जाती है। और ये लगातार दो बजे दोपहर तक आपको देखने को मौका मिलेगा। हम पटना वासियों से हम बिहार वासियों से अपील करते हैं कि पटना के महावीर मंदिर ज़रूर आइए और ये नज़ारा जो रामनवमी के अवसर पर देखने को मिल रहा है उसका जो मनोरम दृश्य है उसको आनंद जरूर उठाइए। ये तस्वीर देखिए, हम एक बार यहाँ के सीईओ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दें कि देखिए किस तरह से जब गुलाब की पंखुड़ियाँ जो पुष्प हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से इस ड्रोन को वापस लाया जाता है और इसमें पुष्प डाला जा रहा है। और ये तस्वीर बेहद सुखद है बेहद खूबसूरत और रामनवमी के अवसर पर ये देखने को मिल रहा है ये तस्वीर।